न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा सह प्रभारी सुशील गुप्ता पहुंचे सोनीपत के गांव पुरखास में कार्यकर्ता सम्मेलन में, जहां कार्यकर्ताओं से चुनाव में प्रत्याशियों के बारे में ली जानकारी। गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग जिस उम्मीदवार का समर्थन करोगे, हम उसी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। इस पर पुरखास गाँव की बहू और ब्लॉक समिति की प्रधान सरोज बाला के पक्ष में कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर दिया समर्थन। और साथ ही इस अवसर पर सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी हर दम झूठ की राजनीति करती आई है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने दिल्ली में विकास किया है, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी होगा विकास, और इसी मुद्दे को लेकर हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। व्यवस्था को बदलने के लिए चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी अपने विकास जो दिल्ली के अंदर किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली और पानी के क्षेत्र में, किसान के लिए, नौजवान के लिए, जवान के लिए, आज हरियाणा की जो व्यवस्था है 18 साल के राज में चार बार हो चुकी है। जो सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जाति और धर्म के नाम पर हरियाणा को बांट दिया है। बिजली पानी का बुरा हाल है, स्कूल और हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है। सरकार बदलने यात्रा में पड़ता दिखाया था, काट दूंगा प्लाट का निशान। 22 टिकट हमें फाइनल कर दिए, बात करने कोई फाइनल नहीं हुई, मीटिंग में करके आए, वो आज कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी हर विधानसभा में जा रही है, लोगों से मिल रही है, जिसको लोग चाहेंगे उसको टिकट देंगे। के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।